श्रद्धालुओं से भरे रामलीला मैदान में एक जेसीबी बेकाबू हो गई। जेसीबी की चपेट में आने से बैंड बाजे का एक मजदूर घायल हो गया। हादसे के बाद रामलीला भीड़ में भगदड़ मच गई। नमस्कार, मैं अनिल सक्तर, आप देख रहे हैं अनिल सक्तर ऑफिशियल। मामला कोरोना थाना इलाके किनार गांव रामलीला मैदान का है। रविवार की रात इनार गांव के रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन किया जा रहा था। सीता स्वयंवर के मंचन में धनुष तोड़ने के लिए जेसीबी पर पेटू राजा को रामलीला मंच तक लाया जा रहा था। मंच के समीप पहुंचते ही चालक जेसीबी से नियंत्रण खो बैठा और जेसीबी बेकाबू हो गई। झालर ट्यूबलाइट की पोल को भी जेसीबी ने अपने चपेट में ले लिया। पेटू राजा के जेसीबी के आगे बैंड बाजा भी चल रहा था, जिसमें इनार गांव के डंकापुर निवासी बैंड बाजा बजाने वाले रमेश गौतम अनियंत्रित जेसीबी की जद में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद रामलीला मैदान भगदड़ मच गई थी। आनन फानन में घायल रमेश गौतम को गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमेश गौतम गंभीर रूप से घायल है। नमस्कार, मैं अनिल सक्तर, आप देख रहे हैं अनिल सक्तर।